अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बोट गले के ऊपर डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएंगे। सिंपल डिज़ाइन होगा और बड़ा खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनेगा। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के ऊपर हम सिखाते हैं। एक महीने के 1500 रुपये लेते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। वहाँ से व्हाट्सअप नंबर नोट करके आप ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मालूम ले सकते हैं। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आपने डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने लिया हुआ ये बुकरम डबल हमने फोल्ड किया हुआ, इसको पाइपिंग कार्ड हमने जो है बुकरम के गला कटिंग करने के लिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर से जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4 इंच का, बोर्ड गले का नॉर्मल 4 इंच, 4.5 इंच होता है, और यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच का, और इसको ऐसे जो है बक्स बना लेना है इसका। ठीक है, ये बक्स हमने बना लिया है, और यहाँ पर फिर आपने बक्स बनाने के बाद यहाँ पर शेप देनी है ऐसे। ठीक है, शेप देने के बाद आपने इसको शेप के ऊपर कट करना है। अब आपने ये कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपने ये गला कितना चौड़ा कटिंग करना है वो देखना है। अब हम करेंगे तकरीबन 1 इंच चौड़ा गला कटिंग। अब 1 इंच के गैप पे आपने बॉल पॉइंट के साथ जो है वो निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब इसको निशान के अकॉर्डिंग, निशान के बराबर जो है वो कट कर लें आप। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो है वो कट कर लिया, हमारा बोर्ड गला ये कटिंग हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ब्लैक पीस लेना है ट्राउज़र के साथ का। ये ट्राउज़र के साथ का पीस है, हमारा यही पीस बचा हुआ है, ट्राउज़र में से बहुत कम पीस बचा है हमारे पास, तो इसको आपने प्रेसिंग लगानी है। प्रेसिंग हमने लगा ली है फ्रेंड्स। प्रेसिंग लगाने के बाद आपने ये चिपका लेना है। ये शुक्र है पूरा आ गया, वरना मुझे लग रहा था कि पूरा नहीं आएगा गला, तो आपने इसको यहाँ पर चिपका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कटिंग कर लिया है लिया है, तो अब आपने इसको जो है पैर पैर का छोड़ के कट कर देना है। यहाँ से बराबर कटिंग करते हैं हम। अच्छी तरह चिपका लें, बार बार बेशक प्रेसिंग लगानी पड़े इसको, आप अच्छी तरह चिपका लें। चिपकाने के बाद इस्त्री के साथ साथ इसको बिठा दें, इस्त्री से बुकरम के साथ साथ बिठाना है। हल्के हाथ से बिठाना है, कोशिश करें कि अंदर से गला फोल्ड ना हो, गला ना मुड़े, क्योंकि लोग सख्त हाथ से बिठाते हैं तो अंदर जो है वो गला को भी फोल्ड कर देते हैं। गला फोल्ड नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है कपड़ा फोल्ड करना है गले के बराबर। ठीक है, फोल्ड हो गया, अब इसको शावर वगैरह आप लगा लें। अब अच्छे तरीके से बिठाएंगे तो ये बैठ जाएगा। भाई इसको
जो देखें आपने जो है इसको जॉइन कर देना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बना दिया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको फिर सीधी साइड से आपने इस्त्री लगानी है ताकि ये गला बैठ जाए आराम से। ठीक है, अब लगाने के बाद आपने इसका सेंटर कर लेना है। ये सेंटर हो गया हमारा। और इसको सेंटर में से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपने लेनी है अपनी जो है फ्रंट साइड। ये आ गई हमारी शर्ट। ठीक है, ये शर्ट है, इसकी शर्ट की फ्रंट साइड देखनी है आपने। ये आ गई फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड के उल्टी साइड पर आपने रखना है। सीधी साइड पर नहीं रखना गले को, आपने उल्टी साइड पर रखना है। यहाँ सेंटर में आपने उल्टी साइड पर गला रखना है, और इसको जो है पिनों के साथ आपने जॉइंट कर लेना है। ये पिनों के साथ आपने यहाँ पर एक पिन लगानी है। ये देखिए यहाँ पर पिन लगानी है, एक पिन यहाँ पर लगानी है, एक यहाँ पर लगानी है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ये गला को जॉइंट कर लिया इसके साथ। ठीक है, जॉइंट करने के बाद अब आपने गले के साथ साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल गले के साथ साथ सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई जो है गले के ऊपर ना चढ़े और ना ही गले से दूर हो, बिल्कुल गले के साथ साथ सिलाई होनी चाहिए हमारी। गले के साथ साथ होगी तो फिर ही जाके इसकी फिनिशिंग आएगी। देखिए हमने जो है ये बना लिए। ठीक है, बनाने के बाद इसको पीछे करें। अब आपने पीने वगैरह इसकी हटा लेनी है। जो पीने हमने जो है इसकी लगाई थी वो आपने जो है इसकी हटा लेनी है। तीन पीने लगाई थी, तीनों पीने आपने हटा लेनी है इसकी। पीने हटाने के बाद फ्रेंड्स, अंदर वाली साइड से आपने पैर पैर का छोड़कर इसको जो है वो कटिंग करना है। ठीक है, ये हमने जो है वो लगा लिए। अब आपने इसको गोलाई में कट लगाने हैं। गोलाई में कट लगाने के बाद जिस सीधी साइड पर हमारा गला ऐसे पलट जाएगा, ऑटोमेटिक खुद ही पलट जाएगा सीधी साइड पर। अब आपने दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगा लेनी है। मुकम्मल आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये जॉइंट हो गया गला हमारा। अब बाहर वाली साइड भी सिलाई जो लगानी है आपने,
यहाँ पर बाहर वाली साइड पर भी सिलाई लगा लें आप। हमने गला हमारा रेडी हो गया, अब हमने इसके ऊपर पर्ल लगाने हैं। वो पर्ल आप जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, देख लें। मैं यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर इसके पूरे बॉडी के ऊपर जो है वो पर्ल लगाने, पर्ल लगाकर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।